बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ हमाद सलीम और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बर्ड्स इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके बर्ड्स भी ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम अपने बेबी पैरेट के केज की सेटिंग करेंगे। 5 मई 2023 को बेबी पैरेट अंडों से निकले थे, तो आज इनको 1.5 माह पूरा हो चुका है। मैं इनको 4 टाइम फीडिंग करवाता था, तो आज से हम इनको 3 टाइम फीडिंग करवाएंगे। आज से हम इनको सेल्फ फीड देना शुरू कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये बहुत जल्द खाना पीना सीख जाएंगे। इनको सेल्फ फीड पर लाने के लिए हम इनको काले चने खिलाएंगे, भिगोई हुई रोटी खिलाएंगे, भिगोई हुई गंदम, उबले हुए चावल, मौसमी सब्जियां और मौसमी फ्रूट। शुरू में हम इनको ऐसी चीजें खिलाएंगे जो ये आसानी से खा सकें और इनको खाने में कोई मुश्किल पेश ना आए। इनके केज की हम सेटिंग करते हैं। इनके केज में हम स्टिक लगाएंगे जहाँ पर ये बैठेंगे। अब ये काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, तो इनके केज में हम स्टिक लगाते हैं। चलिए दोस्तों, भिगोई हुई गंदम जो कि आज हम अपने बर्ड्स को देंगे, तोरा काटने के लिए हमारे पास कैंची और एक बड़ा खंजर है। ये देखें दोस्तों, ये तोरा है, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। गर्मियों के मौसम है तो अगर इसको हम भिगो कर रखते हैं, ये सारा दिन ठंडा पड़ा रहता है, जिससे हमारे बर्ड्स को ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। ये हम अपने पैरेट के नीचे रखेंगे। कैंची की मदद से हम यहाँ पर तोरे का एक छोटा सा टुकड़ा काट रहे हैं जो कि हम अपने पैरेट के केज में रखेंगे। तो केज के अंदर हमने तोड़े का छोटा सा टुकड़ा काट कर रख दिया और स्टिक भी लगा दिया। ये स्टिक आप देख सकते हैं, खजूर की स्टिक है ये। यहाँ पर हमारे पैरेट काफ़ी ज़्यादा खुश होकर बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं, हम शीट को धोते हैं ताकि ये ठंडी रहे और हमारे पैरेट को गर्मी ना लगे। चलिए दोस्तों, शीट को धोते हैं। तोतों को मैंने केज के बाहर निकाल लिया है। केज और शीट को हम अच्छी तरह से यहाँ पर धो रहे हैं। इसके बाद हम पैरेट को दोबारा केज के अंदर बिठाएंगे स्टिक के ऊपर। केज को हमने अच्छी तरह से धो लिया और इसके अंदर हम भिगोए हुए गंदम और भिगोई हुई रोटी रख रहे हैं जो कि हमारे पैरेट की फर्स्ट खुराक है जो ये खाएंगे इंशाल्लाह। केज के बर्तन में हमने पानी भी भर कर रख दिया और सीरी लाइक भी यहाँ पर हमने थोड़ा सा रख दिया जो कि हमारे पैरेट खाते हैं। ये देखें यहाँ पर ये बाहर आए हुए हैं, तो अभी मैं दरवाजा बंद करता हूँ। ये मिक्स सब्जी हमारे रिंगनिक पैरेट के लिए है, जिसमें हम थोड़ी सी सब्जी अपने बेबी पैरेट को भी देंगे। बेबी पैरेट ने अभी तक यहाँ पर भिगोई हुई गंदम और रोटी नहीं खाया। बेबी पैरेट की ये सब्जी है, तो अभी हम बेबी पैरेट को ये सब्जी देते हैं। ये लो खाओ। ये देखें दोस्तों, देख रहे हैं और खा नहीं रहे, तो ये सब्जी हमें केज के नीचे रखनी पड़ेगी। जैसे इनको भूख लगेगी तो ये खा लेंगे। ये कटी हुई सब्जी हमने केज के नीचे रख दी है, तो जैसे इनको भूख लगेगी तो ये खाने की कोशिश करेंगे और थोड़ी सी खाएंगे। इसके बाद हम इनको इंशाल्लाह फीडिंग भी करवाते रहेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ये खाना सीख जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करें। ओके फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़।